इसका मतलब क्या है? ये नहीं है कि आपके बॉडी में अभी तक जो पर्टिकुलर सेल्स है वो चेंज नहीं हुए, इसलिए आपको ऑटोइम्यून नहीं हुई। ऐसा कभी नहीं होता। आपके बॉडी में ऑटो एग्रेसिव सेल्स हमेशा बनते रहते हैं। ऑटो एग्रेसिव सेल्स का मतलब है कि वो सेल्स में पोटेंशियल है जो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करा दें, मगर सेल क्या समझ लेता है कि ये पर्टिकुलर, वो सेल समझ जाता है कि इसके ये सेल ऑटो एग्रेसिव है, इस सेल को वो अपने आप को खुद ही सेल सुसाइड कर लेता है, उसको कन्वर्ट नहीं होने देता। अगर ये सेल कन्वर्ट हो गया तो वो ऑटो इम्यून डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे आपके अंदर कार्सिनोजेंस प्रेजेंट रहते हैं, यानी कैंसरस सेल्स हमेशा आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हर टाइम, बस उनको क्या एक ट्रिगर की जरूरत है, यानी कोई चीज आके बस उन्हें ट्रिगर कर दे, देन दे कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल्स। सेम उसी तरीके से जो आपके टी सेल्स है, जो ऑटो इम्यून डिसीजेस सेल्स होते हैं, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कराएंगे, वो हर टाइम टी सेल्स में बन रहे होते हैं, लेकिन सेल उनको समझ रही होती है, सेल देख लेती है कि ये ऑटो एग्रेसिव है, इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्ट हो सकता है, अगर ये कन्वर्ट तो इसको पहले ही क्या कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी प्रोसेस को भी रोक रहा है। अब सबसे बड़ा, अब तो हमने अभी अभी तक हमने जितना पढ़ा वो हमने सब सारी की सारी नॉर्मल प्रोसेस पढ़ ली कि ये एप्टोसिस होता है और इसका ये काम है, लेकिन एप्टोसिस अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट कैसे होता है, बॉडी में किस तरीके से एप्टोसिस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन, यानी ये स्टार्ट कैसे होता है। दो चीजें हैं स्टार्टिंग से पढ़ता रहे, दो चीजें हैं क्या, पहली चीज है पॉजिटिव सिग्नल, दूसरा है निगेटिव सिग्नल। इसका मतलब क्या है? इसका पर्टिकुलर मतलब है कि आपका ये सेल है, इस सेल को पता चला कि अब हमारा जो काम था वो हमने कंप्लीट कर दिया, हमारा जो काम था पर्टिकुलर वो हमने कंप्लीट कर दिया, अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, तो वो क्या भेजेगा, वो भेजेगा पॉजिटिव सिग्नल कि भैया देखो आपने हमें जिस काम के लिए यहाँ छोड़ा था हमने वो काम कर लिया अपना, तो अब हम क्या कर दो, अब हमें सेल सुसाइड करवा दो, यानी एप्टोसिस प्रोसेस सेल में स्टार्ट कर दो। तो वो क्या, वो कोई निगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव सिग्नल। फिर निगेटिव सिग्नल क्या होता है, निगेटिव सिग्नल का मतलब होता है कि पर्टिकुलर सेल के अंदर सेल को एहसास हुआ, जैसे ऑटो एग्रेसिव वाला पढ़ के आए थे क्या, कि कुछ ना कुछ सेल को लगा यार कुछ ना कुछ जो जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल नहीं हो रहा, सेल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, या दूसरा क्या कि सेल पे स्ट्रेस पड़ रहा है, सेल पे क्या पड़ रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस पड़ रहा है, और क्या हो रहा है, जो सेल के अंदर की तरफ जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है, या फिर सेल में कोई इंफेक्शन हो रहा है, या डीएनए में प्रॉब्लम हो रही है, या एक्सरे वगैरह से क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी एबनॉर्मेलिटी सेल के अंदर हो रही है, सेल के अंदर वो कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी हो रही है, सेल उसको समझ चुका है, सेल को लग गया कि देखो अगर हमने खुद को खत्म नहीं करा तो हम ये इसको क्या, हम इस चीज को बढ़ा देंगे, हम बस्ट आउट होंगे और हमारे अगल बगल सेल, अगल बगल के सेल्स भी अफेक्ट होंगे, तो हमें अपनी खुद की बॉडी बचाने के लिए हमें मरना, तो वो कोई पॉजिटिव तो था नहीं, वो तो निगेटिव फीडबैक हुआ ना, वो था निगेटिव सिग्नल, कि सेल ने निगेटिव सिग्नल छोड़ा कि यार हमें, हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, हमें मार, कुछ ना कुछ हमारे से हमारे अंदर चेंज हो रहा है, ये सेल खुद को बोलता है, और इसके अंदर इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है जो हम पढ़ेंगे कैसे होती है, वो क्या करती है, वो सेल को खत्म कर देती है, यानी दो प्रोसेस हो गई, एक पॉजिटिव हो गई एक नेगेटिव हो गई। अब ये कभी भी मत समझना कि पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है इसका मतलब ये कि नेगेटिव सिग्नल बंद हो गया, या फिर नेगेटिव सिग्नल आ रहा है तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव सिग्नल बंद हो गया, नहीं, ये दोनों अलग अलग है, पॉजिटिव सिग्नल और नेगेटिव सिग्नल अलग अलग है, दोनों में एक टाइम पे एक ही आएगा, या तो आपको क्या हो सकता है कि विड्रॉ हो जाए, जो अच्छे सिग्नल्स थे, अच्छे सिग्नल आने चाहिए थे वो आना बंद हो गया, यानी क्या जो पर्टिकुलर सेल्स कोई काम कर रहा था, जैसे बहुत प्यारा एग्जांपल दिया है न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या जो नर्व ग्रोथ फैक्टर्स हैं, न्यूरॉन के अंदर से नर्व ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते रहते हैं, वो आपकी क्या ग्रोथ करवाते हैं, जैसे ये फैक्टर क्या बंद हो जाते हैं, जैसे ही बंद होगा या ना, क्योंकि ये जो आना हो रहा था ये तो आपके लिए पॉजिटिव था ना, अच्छी बात थी पर्टिकुलर आपके लिए आ रही है, जैसे ही आना बंद होता है सेल समझ जाता है कि विड्रॉ हो गया, मतलब पॉजिटिव सिग्नल आना बंद हो गया, यानी सेल का काम हो गया खत्म, अब इस सेल को मार दो, यानी ये क्या लाइन हो गई, विड्रॉ पॉजिटिव सिग्नल। दूसरा हो गया क्या अराइवल, निगेटिव सिग्नल का आना कि कुछ ना कुछ सेल के अंदर एबनॉर्मली हुई जिसकी वजह से सेल ने निगेटिव सिग्नल छोड़े कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मली हो रही है, हमें मार दो। ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल क्या हुआ, या तो पॉजिटिव सिग्नल आना बंद हो जाए या निगेटिव सिग्नल आना चालू हो जाए, है ना, ठीक है,
इसी इसमें बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया है नर्व ग्रोथ, जैसे जब न्यूरॉन को लगना हो। दूसरा इंटरल्यूकिन, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है, इंटरल्यूकिन टू क्या इसका, ये किसका मतलब है, लिम्फोसाइट्स का। ये कब, जब पर्टिकुलर आपको कहीं चोट लग गई या कुछ भी लग गया तो लिम्फोसाइट्स पर्टिकुलर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो बैक्टीरिया जो भी उनका रिस्पॉन्स है वो अपना कंप्लीट कर देते हैं। और वो कंप्लीट कैसे करते हैं, वो इंटरल्यूकिन को छोड़ते हैं। मैं अगर आप ये जब अभी सेकंड ईयर में इंफ्लामेशन पढ़ोगे, वहां पर आता है, वहां पर जो पर्टिकुलर सबसे पहले कोई भी अगर पहुंचता है लड़ने तो वो जाते हैं लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट को ये पता होता है, वो लड़ने तो जरूर जाते हैं लेकिन उनको पता होता है कि हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, तो वो स्टार्टिंग में ही इंटरल्यूकिन छोड़ के चले जाते हैं। इंटरल्यूकिन फैक्टर, ये इंटरल्यूकिन क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर क्या, ये अपने लिए एक जगह बना के रखते थे कि जो बड़े बड़े सेल आएंगे ना, मैक्रोफेजेस आएंगे बाद में, जो बड़े बड़े, क्योंकि लिम्फोसाइट तो मर जाएंगे बैक्टीरिया से लड़ते हुए, ये जीत नहीं पाते, लिम्फोसाइट कभी नहीं जीत पाते, लिम्फोसाइट बस रास्ता बना के चले जाते हैं कि बाद में जो मैक्रोफेजेस आए ना उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़े, उन्हें बैक्टीरिया को ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो मेहनत लिम्फोसाइट करके चले गए। उनने क्या करा, वो बैक्टीरिया के पास गए और इंटरल्यूकिन छोड़ दिया, इससे क्या हुआ, मैक्रोफेजेस आए, उन्होंने इंटरल्यूकिन को पहचान लिया, अच्छा ठीक है इंटरल्यूकिन यहाँ छूटा हुआ, इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर यहीं पर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और वो अपना एक्शन चालू कर देते हैं। अगर वो भी आकर ढूंढे सारी प्रोसेस चलाएं तो वो कितना डिले कर जाएगी, तब तो बैक्टीरिया कितना आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर चुका होगा। तो इसी वजह से ये सब क्या पॉजिटिव थी, कि जैसे ही जब तक वो इंटरल्यूकिन लिम्फोसाइट छोड़ रहा था तो वो क्या कर रहा था, पॉजिटिव काम कर रहा था। जब उसने लिम्फोसाइट क्या इंटरल्यूकिन को छोड़ना कर दिया बंद, यानी इसका मतलब क्या है कि सेल अब अपने आप को समझ लेता है कि अब हमारा काम हो गया खत्म, हमने इंटरल्यूकिन छोड़ दिया, माइक्रोफेजेस आ जाएंगे वो अपने आप बैक्टीरिया को मार देंगे, अब हम अपने आप को खत्म कर लेते, तो वो अपना क्या कर लेता है, सेल सुसाइड कर लेता है। ये सा एग्जाम्पल में, यहाँ इन्होंने बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं करा, बस इतना करके छोड़ दिया, लेकिन मैंने आपको पर्टिकुलर एक एक लाइन में समझा दिया ऐसा क्यों होता है। जैसे कि जब आप एग्जाम्पल याद करो तो आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल याद करने की जरूरत ना हो, आपको फंक्शन पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव सिग्नल से सारे मैंने बता दिए कि नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसीजर नहीं हो रही हो, है ना सेल। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे कि ये सारे मैंने बता दिए थे। अब अगला पॉइंट है इसमें, ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है लोगों को, ये जो लाइन है ना इतनी पातर लाइन बहुत कंफ्यूजिंग करता है, इसको ना मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ, बस उस पर ध्यान देना, रिवाइज कर लेना, परमानेंट याद हो जाएगा। इसमें इसका मतलब है कि दो चीजें यहां बोल रहे हैं कि डेथ रिसेप्टर क्या लाइगेंट्स, दूसरे डेथ रिसेप्टर। आप हमेशा एक चीज याद रखना, आपके बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो, जो भी प्रोसेस होती है ना, वो जब भी होती है जब पर्टिकुलर रिसेप्टर हो और उस पर आने वाली कोई चीज क्या हो, लिंकेज करने वाली हो, यानी अटैच होने वाली हो, जब वो देख लेता है कि हाँ पर्टिकुलर इसी रिसेप्टर्स के ये सिग्नल हैं, जब वो एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, तब वो वर्क होता है चालू। आपकी बॉडी में कोई भी काम यूं ही चालू नहीं हो जाता, उसके लिए पर्टिकुलर प्रोसेस है। जिस तरीके से आपने सारे पढ़े, सारे आपके चाहे न्यूरॉन्स हो, चाहे एनएमजी हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोसेस हो, बिना आपको आपकी बॉडी में, क्योंकि हजारों लाखों प्रोसेस हो रही है, बॉडी को कैसे पता कि पर्टिकुलर यही है, तो बॉडी में हर सेल्स पे पर्टिकुलर उस चीज के लिए रिसेप्टर लगे हुए हैं और उस चीज के लिए पर्टिकुलर उसके सेल्स हैं, पर्टिकुलर उसके लाइगेंड्स हैं जो उस पर आके अटैच होंगे। अगर वो रिसेप्टर उसी के लिए बने हैं तो वो जैसे ही वो अटैच होंगे, अगर वो उसी के लिए बने हैं तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो वो काम हो जाएगा। अगर बॉन्ड नहीं बना तो उसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर उसके लिए नहीं थे। सेम बिल्कुल इसी तरीके से इसमें है कि जो ये प्रोसेस एप्टोसिस स्टार्ट होनी है, वो स्टार्ट कैसे होती है, वो ये प्रोसेस भी स्टार्ट होती है दो चीजों से, कि पर्टिकुलर एक चीज को आना है और दूसरी चीज पर बैठना है। जब इन दोनों में लिंकेज हो जाएगा, ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगी, जब पर्टिकुलर वो ही चीज आएगी जो एप्टोसिस स्टार्ट करेगी और वो ही चीज जो एप्टोसिस को स्टार्ट करवाने वाली है, यानी रिसेप्टर और लाइगेंड दोनों एक ही चीज के आएंगे, तब एप्टोसिस स्टार्ट होगी। बस इसमें यही लिखा है, जो डेथ रिसेप्टर लाइगेंड्स होते हैं वो कौन होते हैं, उनके इसमें नाम लिखे हैं, जैसे ट्यूबर न्यूक्लियर फैक्टर अल्फा, ट्यूबर न्यूक्लियर फैक्टर बीटा और फास्ट लाइगेंड्स, तीन नाम है, इनको आपको याद करना है, तीन नाम है, ये तीन चीजें हैं क्या, ट्यूबलर न्यूक्लियर फैक्टर और ये वाला ट्यूबर न्यूक्लियर फैक्टर बीटा और ये आपके फास्ट लाइगेंड, ये तीनों की तीनों चीजें लाइगेंड जो जाके रिसेप्टर पे बैठेंगी। अब वो रिसेप्टर कौन से हैं, वो पर्टिकुलर रिसेप्टर उसी के होने चाहिए, वो रिसेप्टर के नाम होते हैं क्या, ट्यूबर न्यूक्लियर रिसेप्टर वन, वही नाम है, देखो ट्यूबर न्यूक्लियर फैक्टर आएंगे तो नाम भी वही है, ट्यूबर न्यूक्लियर फैक्टर वन, ट्यूबर न्यूक्लियर फैक्टर, और दूसरा नाम थोड़ा खतरनाक है,
ट्यूबर न्यूक्लियर फैक्टर रिलोट क्या नाम है रिलेटेड एप्टोसिस इंक्लूडिंग लाइकिंग जिसको ट्रेल बोलते हैं. क्या है टी से आपका ये हो गया टीएनएफ, आर से रिलेटेड, ए से एप्टोसिस, आई से इंक्लूडिंग और एल से लाइकेंड. यानी क्या ट्यूबर न्यूक्लियर फैक्टर रिलेटेड एप्टोसिस इंक्लूडिंग लाइकेंड. दो रिसेप्टर हैं आपके, कौन कौन से रिसेप्टर है, एक TNFR1 है और एक ट्रेल है जिनको हम क्या DR4 और DR5 बोलते हैं. ये पर्टिकुलर रिसेप्टर एक जगह पर प्रेजेंट होते हैं DR4 DR5. अब इन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पर उनके लाइगेंड ही आने चाहिए. आ तो कोई भी जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर वो लाइगेंड ही आए तो ये रिएक्शन होगी. और रिएक्शन होगी इसका मतलब क्या है कि एप्टोसिस को स्टार्ट करा दो, एप्टोसिस को स्टार्ट करा दो. ठीक है, सिंपल वर्ड में ये लिखा हुआ है. अब ये एप्टोसिस स्टार्ट होती कैसे, हमने ये तो समझ लिया कि ये आ रहा है उस पर बैठ रहा है, ठीक है, स्टार्ट कैसे होती है, बिल्कुल सिंपल चीज है. इसके लिए मेजरली आपका एक ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है, डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सबसे ज्यादा ये एप्टोसिस के रिस्पॉन्सिबल है आपके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, यही कराता है आपका एप्टोसिस. कैसे कराता है फिर ये सिंपल सी चीज है, जब ये लाइगेंड अपने रिसेप्टर पर बैठकर एक्टिवेट हो जाता है तो वो क्या करता है, एक प्रोटीन को रिलीज करवाता है. जब ये रिसेप्टर का माइटोकॉन्ड्रिया बैठे होते हैं और ये रिसेप्टर पर जैसे ही उसका लाइगेंड आके अटैच होता है और रिएक्शन होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटीन रिलीज होती है जिसका नाम होता है कैस्पेसिस. कैस्पेसिस जिसका पूरा नाम है क्या, सिस्टिनिल डिपेंडेंट एस्पर्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएस. फुल फॉर्म याद हो तो कोई बात नहीं, नाम तो आपको याद होना चाहिए. क्या कैस्पेसिस, ये कैस्पेसिस कब बनेगी, जब ये पर्टिकुलर लाइगेंड अपने रिसेप्टर्स पर अटैच होगा, ठीक है, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी कैप्सिस. अब ये कैप्सिस करवाती, ये कैप्सिस होती कैसे स्टार्ट है, सिंपल सी चीज है, मैंने आपको अभी बताया. ये कैप्सिस देखो नॉर्मल तो स्टार्ट हो जानी चाहिए ना, अगर है ये, अगर ये प्रोसेस स्टार्ट होनी है तो नॉर्मल भी ऐसे तो कभी भी स्टार्ट हो जाए. ये पर्टिकुलर स्टार्ट कब होती है, सिंपल सी चीज है, इस प्रोसेस को रोक के रखे रहता है क्या, एप्टोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर. नाम में ही लिखा है एप्टोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर, नाम में ये एप्टोसिस को रोक के रखा रहता है. जैसे ये फैक्टर हटा तुरंत कैप्सिस हो जाती है चालू, तो इसको कौन हटाएगा, क्वेश्चन वही आके अड़ गया कि फाइनल प्रोडक्ट, तो हमें समझ आ गया कि फाइनल प्रोडक्ट है हमारा कैप्सिस, ठीक है, चलो लाइन से चलते हैं, बिल्कुल समझते चलते हैं, हम उल्टा चलते हैं क्योंकि ये बुक में भी उल्टे ही चले हैं. आपकी आखिरी का पॉइंट है कैप्सिस, यानी कि हमें ये समझ आ गया कि अगर कैप्सिस बन गया तो वो एप्टोसिस करा देगा, ठीक है, तो कैप्सिस क्यों नहीं बन रहा, कैप्सिस को एक चीज रोक के रखी है, क्या रोक के रखी है, वो रोक के रखी है एप्टोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर यानी AIF. यानी अब हम ये समझ गए कि अगर ये फैक्टर हट गया तो कैप्सिस बन जाएगी, ठीक है, तो ये फैक्टर फिर कैसे हटेगा, ये फैक्टर हटेगा कैसे, ये फैक्टर अभी हम पढ़ के आए क्या, इस लाइगेंड और डेथ रिसेप्टर के अटैच होने के, जैसे ही ये दोनों अटैच होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये पर्टिकुलर क्या बनाते हैं, दो प्रोटीन बनाते हैं. जैसे ये दोनों अटैच होते हैं ये पर्टिकुलर दो प्रोटीन बना देते हैं, उन दो प्रोटीन का नाम है साइटोक्रोम सी और SMAC, यानी सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया ड्राइव एक्टिवेटर ऑफ कैप्सिस. इतना फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट में आपको याद होना चाहिए, दो फैक्टर हैं साइटोक्रोम सी और क्या SMAC. ये दो प्रोटीन होती हैं रिलीज. SMAC को ही बोलते हैं होमोलोगियो डायब्लो, आप तो SMAC याद करके रखे रहो. ये दो प्रोटीन रिलीज होंगी कब, जब डेथ रिसेप्टर अपने क्या डेथ रिसेप्टर लाइगेंड डेथ रिसेप्टर से अटैच होंगे, वैसे ही तुरंत ये दो प्रोटीन होंगी रिलीज. और जैसे ही ये प्रोटीन रिलीज होंगी ये जाके क्या कराएंगी, ये काम कराएंगी तुरंत आपका एप्टोसिस इनहिबिटिंग फैक्टर को बंद करा देगी कि अब तुम रिलीज मत हो. जैसे ही ये रिलीज होना होगा बंद, कैप्सिस हो जाएगी स्टार्ट. और कैप्सिस जैसे ही प्रोटीन बनी, ये कैप्सिस क्या कर देगी, ये कैप्सिस जाके आपको एप्टोटिक प्रोसेस को स्टार्ट करा देगी. अब इसको ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, लास्ट में बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं, अब मैं स्टार्टिंग से समझाऊंगा, ठीक है. अभी मैंने बुक के अकॉर्डिंग समझा दिया, मुझे मालूम है थोड़ा कंफ्यूजिंग था.
क्या हुआ, स्टार्टिंग से समझते चलो। यहाँ देखो बिल्कुल, ये रहे आपके डेथ रिसेप्टर लाइगेंड, ठीक है, जो आपके बने, जो आपके अटैच हुए डेथ रिसेप्टर से। नाम है याद कर लेना, डेथ रिसेप्टर लाइगेंड होते हैं आपके ट्यूबरन्यूकुलर फैक्टर अल्फा बीटा और फास्ट लाइगेंड, और डेथ रिसेप्टर होते हैं क्या, ट्यूबरन्यूकुलर फैक्टर रिसेप्टर वन और ट्यूबरन्यूकुलर फैक्टर रिलेटेड एप्टोसिस इंड्यूसिंग लाइगेंड ट्रेल, ये आपको याद करने है नाम, ठीक है। ये दोनों जैसे ही एक दूसरे से अटैच हुए, इन्होंने ये कहाँ प्रेजेंट हो रही है सारी प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये सारी प्रोसेस चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये दोनों जैसे ही आपस में एक दूसरे कनेक्ट हुए, इन्होंने फटाफट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो प्रोटीन बना दी। कौन कौन सी दो प्रोटीन बना दी उन्होंने, पहली प्रोटीन बनाई साइटोक्रोम सी, कौन सी प्रोटीन बनाई साइटोक्रोम सी, और दूसरी प्रोटीन बनाई उन्होंने SMAC, जिसको होमोलोगियोडाइप्लो भी बोलते हैं, साइटोक्रोम सी और SMAC बनाई। अब जैसे ही ये दोनों प्रोटीन बनी, इन दोनों प्रोटीन का एक काम है, क्या काम है, कि ये दोनों प्रोटीन मिलके जाके जो एप्टोसिस इनिबिटिंग फैक्टर है, जो एप्टोसिस इनिबिटिंग फैक्टर है, जो क्या कर रहा है, जो कैप्सिस प्रोटीन को रिलीज नहीं होने दे रहा, उस पर बैठा हुआ है कि नहीं, कैप्सिस तुम्हें रिलीज नहीं, अगर तुम रिलीज होगा तो सेल मर जाएगा, तो इसको रोक के रखा है। ये दोनों जाके क्या करते हैं, इस फैक्टर को रोक देते हैं कि तुम रुको, अब सेल को मरने की जरूरत है। तो पर्टिकुलर ये जैसे ही रुकता है, ये जैसे ही रुका, कैप्सिस तो रिलीज हो ही रही थी, तो कैप्सिस क्या तुरंत रिलीज हो जाती है, और जैसे ही कैप्सिस रिलीज हुई, वो क्या गई, उसने जो आपकी जो नॉर्मल तब से बात कर रहे हैं एप्टोटिक प्रोसेस को करा दिया स्टार्ट। अब सेल कैसे मरेगा वो हम देख लेते हैं, सेल खुद को कैसे मारता है, क्या तरीका है सुसाइड करने का, क्या तरीका है, ये तो आप बिल्कुल ऐसा समझ लो कि एक आदमी था जिसको सुसाइड करनी थी, कुछ रीजन तो होने चाहिए, तो वो रीजन तो ये सारे हो गए, है ना, ये सारी प्रोसेस होनी चाहिए। अब वो कैसे मरेगा, मतलब वो फांसी का फंदा या फिर कैसे भी कुछ भी करेगा, तो वो किस तरीके से होना है वो हम पढ़ेंगे एप्टोसिस प्रोसेस में, कि पर्टिकुलर सेल अपने आप को कैसे मारता है, वो भी एक सिक्वेंशियल मैनर में मारता है। मैंने वो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सेल ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर किसी भी तरीके से अपने आप को खत्म कर रहा है, बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में पहला ही वर्ड ही लिखा था प्रोग्राम्ड मैनर। जब ये सारी प्रोसेस हो गई, अब हो गई सेल में एप्टोसिस स्टार्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको दो ऑर्गेनिल पढ़ाए थे, कौन कौन से ऑर्गेनिल पढ़ाए थे, एक आपको राइबोसोम पढ़ाया था और एक आपको पढ़ाया था क्या, साइटोस्केलेटन। ये दोनों की दोनों ऑर्गन थे, कौन से, जो क्या कौन से थे, विदाउट सेल मेम्ब्रेनिंग, और मैंने आपको साइटोस्केलेटन का काम बताया था कि ये सेल की क्या स्ट्रक्चर को बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। साइटोस्केलेटन क्या करता था, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता था, सेल के स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले खत्म तो इसी को होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो स्ट्रक्चर खत्म होना, कोई भी चीज खत्म कब होगी, सेल मेम्ब्रेन के नीचे ये रहता था और सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता था। तो जैसे ही एप्टोसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है, सबसे पहला काम है क्या, जो आपकी कैप्सिस है, ये कौन सी, ये प्रोटीन है, अभी हम पढ़ के आए, ये प्रोटीन का काम है क्या, कि जो हमारे साइटोस्केलेटन है इनको खा जाओ, ये साइटोस्केलेटन को खा जाएगी, सेल क्या करेगा, अपना जो अपना उसका स्केलेटन, उसका जो साइज है वो लूज कर जाएगा। यानी वो ही पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट का एक्टिवेटेड कैप्सिस डाइजेस्ट दी प्रोटीन्स, किसकी, साइटोस्केलेटन की। उससे क्या हुआ, सेल श्रिंक कर जाएगा और कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा एकदम, ठीक है। जैसे ही श्रिंक करा, इसने क्या करा, इसने पर्टिकुलर जो आसपास के सेल्स थे, ये सेल है और ये सेल है, जैसे ये श्रिंक करा, ये इसके सेल से कनेक्टिविटी इसने तोड़ दी, यानी ये सेल हो गया, अब कैसे, ये इतना बड़ा सेल है, ये बीच में श्रिंक करके छोटा सा हो गया, ये कनेक्टिविटी क्यों टूटी, क्यों, क्योंकि अब सेल मरने वाला है और इसका कोई भी इफेक्ट इस सेल पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए वो सबसे पहले अपने साइटोस्केलेटन को तोड़ता है कि वो अपनी कनेक्टिविटी हटाए। अगर वो जैसे ही छोटा होगा तो उसे मालूम है कनेक्टिविटी टूट जाएगी, अगर वो पहले उसने अपने काम चालू कर दिया अंदर के मरने के और कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर एक दूसरे में सेल्स के जाते रहते हैं, तो वो इसमें भी चले जाएंगे और ये वाला सेल भी मर जाएगा। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी तोड़ो, यानी वो वॉल तोड़ो जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो साइटोस्केलेटन ने क्या करा, वो कनेक्टिविटी को तोड़ दिया सराउंडिंग मैट्रिक्स से। अब स्टार्ट होगी प्रोसेस, मैंने कहा था ये प्रोसेस होती है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का सिंपल सा मतलब है कि विद इन द सेल्स, सेल के अंदर। अब ये प्रोसेस जो सेल के अंदर स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है न्यूक्लियस से, यानी हम क्या,
इनर टू आउटर चलेंगे, जो यानी न्यूक्लियस के अंदर भी कौन बैठा है, डीएनए, यानी सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो डीएनए से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे करके वो प्रोसेस बाहर जाती है, पहले अंदर के स्ट्रक्चर्स खत्म होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके आखिरी में आपको पता है सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी सबसे आखिरी में जो खत्म होने वाला स्ट्रक्चर है वो आपका क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। और सबसे अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर आपको फिर पता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन ही आपको पता है, क्रोमेटिन क्या था, एक आपका बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिस पर आपके डीएनए अटैच थे ग्लोबुलिन प्रोटीन से, ये आपका क्या करेगा, ये जाएगा डिग्रेडेशन में और कंडीशन अपने आपको बिल्कुल छोटा करेगा, क्यों, क्योंकि अब इसको टूटने की बारी इसकी आ गई, अब इसको टूटना है, खत्म होना है, ठीक है। तो पहली प्रोसेस क्या, विद इन द सेल, और सेल के अंदर भी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर डीएनए। तो क्या करा, डीएनए आपका उस जो डीएनए था वो पर्टिकुलर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर वो टूटेगा, किस तरीके से, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, अपने आपको टुकड़ों में तोड़ेगा। जैसे ही डीएनए टूटा, जैसे डीएनए टूटा, न्यूक्लियस को पता चल गया कि हाँ हमारे अंदर के स्ट्रक्चर टूट गए, अब चलो हमारी बारी, अब हम टूटते हैं, अब टूटेगा न्यूक्लियस, यानी पहले डीएनए टूटा, डीएनए ने न्यूक्लियस बोला, अब न्यूक्लियस बोलता है चलो हम टूटेंगे, तो न्यूक्लियस भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाता है, उन छोटे छोटे टुकड़ों का एक नाम दिया यहां पर, उसका नाम है न्यूक्लियोसोमल यूनिट्स। क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोसोमल यूनिट्स, वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका नाम है न्यूक्लियोसोमल यूनिट्स। अब वो छोटे छोटे टुकड़े टूट गए, अब वो छोटे छोटे टुकड़े अभी कहां है, सेल मेम्ब्रेन है, और यहां ये क्या है, सेल, जो सेल का मैट्रिक्स है, और ये न्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में इसके अंदर बैठ गए, इसने अब कमांड दी सेल ऑर्गेनेल्स को कि देखो अब हम टूट गए हैं, अब जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं तुम सब भी मरना स्टार्ट करो चलो। तो वो क्या हुआ, अब अपने सेल ऑर्गेनेल को खत्म करेगा, सेल ऑर्गेनेल ने कमांड दी सेल मेम्ब्रेन को तुम भी टूटना चालू हो जाओ। सेल मेम्ब्रेन जैसे ही टूटना चालू होती है एकदम बबल डेफरियंस आएगा, क्यों, क्योंकि ऐसा लगे कि चीजें उससे बाहर निकल रही है, सेल की मेम्ब्रेन से चीजें बाहर निकलती हुई नजर आई, टूट रही है, और सब एकदम फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, फिर वो चाहे कुछ भी हो सबको टूटना है, वो सेल विद इन न्यूक्लियस के अंदर, चाहे क्रोमेटिन हो, चाहे डीएनए हो, चाहे न्यूक्लियस हो, चाहे ऑर्गेनेल ऑफ सेल हो, कुछ भी हो सबको टूटना है। और यस, इस प्रोसेस को आप बोलते थे एप्टोसिस, यानी ये जो जितने भी सेल था या बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या बोल सकते हैं, एप्टोसिस बॉडीज, क्या बोल सकते हैं, एप्टोसिस बॉडी। यानी हमने दो नाम यहां नए पड़े, क्या, जब न्यूक्लियस टूटा तो उसको हमने बोला न्यूक्लियोसोमल यूनिट, लेकिन जब न्यूक्लियोसोमल यूनिट मिल गया और जब सेल पूरा टूट गया, पूरा टूट गया, पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया, तो उसको हमने बिल्कुल सिंपल सा नाम दे दिया कि भाई एप्टोसिस प्रोसेस हो रही है, तो इसको बोल दो एप्टोसिस बॉडीज, खत्म, बात, उसी की बॉडी है। अब इस बॉडी को आपको पता है क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे फेगोसाइटेड सेल बैठे हैं जो उसको क्या करेंगे, इंगल्फ करके खत्म कर देंगे, खेल खत्म, सेल खत्म। ये तो थी बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब प्रोसेस है ना, ये थी बिल्कुल आपकी नॉर्मल। अब हम यहाँ ये लाइन इतना और आज का पढ़ेंगे, फिर कल नए प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक होती है एबनॉर्मल एप्टोसिस, क्या, कि बॉडी में देखो कुछ भी चीज होती तो सब नॉर्मल है, लेकिन आप जानते हो हमारे बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है, तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो ही जाती है कि जिसकी वजह से जो ये एप्टोसिस प्रोसेस है ये ना बिगड़नी बिगड़नी है। तो दो काम हो सकते हैं, अगर ये प्रोसेस बिगड़ेगी तो दो काम होंगे, या तो वो सेल को ज्यादा मारेगा या सेल को नहीं मारेगा। अगर ज्यादा मारेगा तो सेल की क्वांटिटी, जो सेल है विद इन बॉडी की उसकी जो क्या है क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, और कम मारेगा तो बढ़ता चला जाएगा। यही तो हो सकता है, दो ही चीज होंगी, अगर एप्टोसिस प्रोसेस बिगड़ेगी तो दो चीज पे बिगड़ेगी, या तो उसको ज्यादा इंक्रीज कर देगी या क्या डिक्रीज कर देगी। तो वही लिखा है कि अगर या तो बढ़ा देगी या कम कर देगी। कब कब ऐसी कंडीशन आती है, देखो बढ़ती कब कब है, बढ़ती देखो आपके बॉडी में आपको बहुत अच्छे से याद, कब कब बढ़ती है, इस्कीमिया की प्रॉब्लम हो जाए। इस्कीमिया मतलब क्या, कि पर्टिकुलर कोई जगह पर ब्लड जा रहा था लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से वो ब्लड वहीं पर खट्टा हो गया, कोई यहां पर क्लॉट अड़ गया जिसकी वजह से वो ब्लड वहां खट्टा हो गया। अब ब्लड अगर खट्टा रहेगा तो वहां पर सीधी सी बात है ब्लड काउंटिंग तो बढ़नी है, क्योंकि वो ब्लड आगे ट्रेवल नहीं कर पा रहा, अगर ट्रेवल करता तो वो सेल्स भी ट्रेवल करते रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब वहीं पर सब चीजें खट्टी होती जा रही, तो एक पॉइंट पर जहां इस्कीमिया होगा उन लोगों में क्या होता है, पर्टिकुलर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ जाए। दूसरा बहुत प्यारा ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, जहां पर टू मच एप्टोसिस हो रही है, यानी क्या आपके सेल्स बहुत ज्यादा टूटते जा रहे हैं, टू हीमोलाइटिक एनीमिया। आपने पढ़ा हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है कि आरबीसी का टूटना, ये ऑटो इम्यून आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है पर्टिकुलर टूटती जाती है, इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया,
ये मोस्ट कॉमन डेंगू के लोगों में आपको मिलती है कि प्लेटलेट्स की काउंटिंग गिरती ही चली जाती है, यानी क्या एप्टोसिस बहुत ज्यादा बढ़ गई। एप्टोसिस बढ़ने का मतलब है कि सेल बहुत ज्यादा मरेंगे। एड्स, एड्स में भी क्या होता है, यही तो होता है कि आपके WBC सारे मरते चले जाते हैं सारे, और आप क्या, और आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। इसी वजह से तो एड्स में होता है, और क्या होता है, नाम ही एक्वायर्ड इम्यूनो, जिसको HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इम्यूनो आपकी इम्यूनिटी को कम कर रहा है, कैसे कम कर रहा है, इसी तो कम कर रहा है WBC को खत्म करके। कुछ न्यूरोजेनरेटिव डिजीज होती है, जैसे मोस्ट कॉमन अल्जाइमर, ये आपके जो न्यूरॉन्स होता है ना उनको खत्म करता जाता है, और बुढ़ापे में होता है, इसलिए आपने बहुत लोगों को देखा होगा उन लोगों को प्रॉब्लम आती है, कुछ चीजें क्या भूलते हैं, उनको याद नहीं रहती, मेमोरी की प्रॉब्लम, ठीक है। और कुछ ऐसे केस जहां पर एप्टोसिस क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, कम होने का मतलब है कि सेल की क्वांटिटी बढ़ जाए। सीधी सी बात है, एप्टोसिस बढ़ने का मतलब है कि सेल की क्वांटिटी कम होगी, सीधी सी बात है। अगर ये प्रोसेस बढ़ी तो सेल ज्यादा मरेंगे, ज्यादा मरेंगे तो सेल कम हो जाएंगे बॉडी में। और एप्टोसिस अगर कम हो जाए, इसका मतलब क्या है कि सेल कम मरेंगे, कम मरेंगे यानी सेल बढ़ जाएंगे। कब बढ़ते हैं सेल में, बहुत कॉमन कैंसर, कैंसर में आपके होता क्या, यही तो होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की। क्या होती है एबनॉर्मल ग्रोथ, तो आपकी बॉडी में जैसे ही कोई भी कैंसर क्या होता है, आपकी एप्टोसिस प्रोसेस को रोक देते हैं, और जो रोक दिया तो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है। कैंसर, ऑटोइम्यून लिम्फोप्रोलिफेरेटिव सिंड्रोम, LPS, इसमें भी यही होता है। किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, प्लीज जो भी अभी इस वीडियो को मैं अभी भी प्रेजेंट, और बाद में इस वीडियो को देखें, प्लीज रिवाइज कर लेना। ये लास्ट के चीजें बिल्कुल दिमाग से निकलने वाली है, ये ना बिल्कुल भूल जाते हैं, ये सारी प्रोसेस मैंने बिल्कुल, इसीलिए इसमें इतना टाइम लगा क्योंकि ये याद नहीं होती, और याद करने बैठते हैं ना तो भाई साहब ये आज याद कर लोगे, कल एग्जाम में अगर लिख भी आओगे, कल लिख भी, हाँ हाँ मैं लिंक सेंड कर दूंगा अभी बुक की, कल लिख भी आओगे तो परसों सब भूल जाओगे। तो इसको इस तरीके से मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि लाइफ भर याद है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप और समझ को, मैंने वही कोशिश करी कि उसी तरीके से आपको बताया, तो एक बार जरूर रिवीजन कर लेना, डेट्स ओवर, ठीक है, चलो गुड डे।